तुझे तो पता है मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उन्होंने मेरी हर मांग को पूरा किया, मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा है। लेकिन उनके रहते हुए भी कावेरी अम्मा की मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खास जगह थी। नाश्ता बनाए माँ, अपने हाथों से खिलाए कावेरी अम्मा, रजाई ओढ़ाए माँ, हलोरी सुनाए कावेरी अम्मा। 2 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक उन्होंने मेरी पूरी देखभाल की है। बस ये समझ ले कि कावेरी अम्मा ने भी मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। कावेरी अम्मा से मैं आखिरी बार अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के वक्त मिला था। मैं छोटे बच्चों की तरह रो रहा था कावेरी अम्मा की गोद में। इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। और फिर मैं यहाँ लौटा और जिंदगी संवारने में लग गया। कावेरी अम्मा अक्सर मुझे खत लिखा करती थी और मैं उन खतों का जवाब भी देता था। फिर बाद में मैं अपने काम में ऐसा उलझ गया कि I just lost touch. कावेरी अम्मा का ख्याल मुझे अचानक नहीं आया विनोद। पिछले कई महीनों से मैं कावेरी अम्मा के बारे में सोच रहा हूँ। उनके बारे में बुरे ख्याल आते हैं कि वो बूढ़ी, बेबस, लाचार हो गई होंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विनोद। बात मैंने अब महसूस की कि मैंने भूल गया और उनका ख्याल नहीं रख पाया। मैं खुद कर सो गया था बिना। वही एक डोर है जो मेरे माता पिता की यादों को पिरोए है।